हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो ये एक वीकेंड आउटिंग है। हम लोग सैटरडे में निकल रहे हैं और संडे में वापस आने वाले हैं। तो हमारी जो लोकेशन है वो है आज एक आंध्रा के नल्ला मल्ला जंगल कैंप में। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है ये, और इसका जो डिस्टेंस है बैंगलोर व्हाइटफील्ड से वो है 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर है। तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग अभी तो कितना 7 घंटे दिखा रहा है, पूरा 7 घंटे दिखा रहा है। दैट मीन्स ब्रेकफास्ट वगैरह लगा के मानते हैं 8 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो लगभग 2 बजे हम पहुंच जाएंगे और हम निकल रहे हैं सुबह के 5 बजे। तो चलिए बाकी की डिटेल्स आपको आगे शेयर करते हैं। अभी है मॉर्निंग का टाइम और माहिर पीछे सो रहा है, तो चलिए हम निकलते हैं। हमारा आज का पहला टोल ये है होस्कोटे का टोल है, 25 रुपए का है, 25 रुपीज का टोल है यहाँ पर। ये हो गया क्लियर। आज का टोल कुछ जल्दी नहीं आ गया? ये होस्कोटे का है। ये अभी हम NH648 पर हैं। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ हमारे साथ, आज तक पहले कभी नहीं हुआ। फास्टैग से रिलेटेड ये फास्टैग हमारा, ये जो टोल था ये हमारा फास्टैग डिटेक्ट नहीं कर रहा था, बट जो बाकी सब गाड़ियां थी उन सब का डिटेक्ट हो रहा था। तो किसी ने मुझको अभी बोला जब डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि वाइपर चलाओ। अब ऐसा गाड़ी गंदा तो नहीं था हमारा, गाड़ी शीशा एकदम साफ था, बट फिर भी वाइपर चलाया। वाइपर चलाते ही वो तुरंत डिटेक्ट कर लिया उसने हमारा ये फास्टैग। आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, पर पता नहीं यहाँ क्यों हुआ ऐसा। तो बेसिकली ये एक हैक है, अगर टोल पे कोई नहीं खड़ा है हेल्प के लिए या फिर आगे निकालने के लिए, तो आप ये वाइपर वाला हैक जरूर ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे 395 किलोमीटर बचे हैं और दिन भी निकल रहा है अच्छा खासा, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम ये NH648 पर थे और इसी को अब हम ही छोड़कर यही हमें NH44 से मिलाएगा। तो अब हम यहाँ से कट ले रहे हैं एक, जो सीधा हमें ये जो नंदी हिल वाला जो कट है डायरेक्ट वहाँ हमें कनेक्ट करता है। तो ये देखिए आगे जो लेफ्ट आ रहा है, इससे हम इस हाईवे को छोड़ के थोड़ा सा आगे जाके NH44 पे कनेक्ट करेंगे अब, जो सीधा हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको रूट इंफॉर्मेशन भी बताते हैं हम कैसे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देर में आपको मिलेगी। अभी NH44 पे जाते हैं और आगे जाके हमको राइट टर्न लेना है। लेफ्ट में अगर आप जाएंगे यहाँ से तो बेंगलोर आ जाएगा, राइट में जाएंगे तो हैदराबाद आ जाएगा। तो हमें हैदराबाद की डायरेक्शन में आगे जाना है। सो आगे जाके थोड़ा सा लेफ्ट लेके हमें राइट जाना है। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लग रहा है हैदराबाद का। चलिए हमें एक्चुअली दूसरी साइड जाना है राइट जाने की, उसमें थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेंगे हम, फिर दोबारा से आपसे कनेक्ट करते हैं। चलिए अभी हमारा डिस्टेंस बचा है 111 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 2 घंटे और अभी टाइम हुआ है 10:30 और ये शायद आज का हमारा NH44 का लास्ट टोल होगा। क्या नाम है इसका? अमकताड़ू। हाँ, अमकताड़ू टोल प्लाजा, क्योंकि अब
6 किलोमीटर बाद हमें यहाँ से टर्न करना है राइट में। तो NH44 का ये आज का हमारा लास्ट टोल प्लाजा है। डिस्टेंस हमारा 110 किलोमीटर बचा है अब। चलिए NH44 को जब छोड़ेंगे तब देखते हैं वहाँ पे कुछ होता है क्या। तो अभी हम हैं चिकबल्लापुरा में और बैंगलोर वालों को अधिकतर पता रहता है चिकबल्लापुर में क्या चीज़ें फेमस हैं। तो एक तो नंदी हिल्स जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर, और उसके बाद एक और है आदियोगी, चिकबल्लापुरा वाले आदियोगी। तो ये पूरा जो सामने आप ये जो सीरीज दिख रही है ये चिकबल्लापुरा वाले पहाड़ हैं सारे। मिस्ट हो रहा है पूरा, अच्छा लग रहा है देखने में। और आदियोगी की वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आदियोगी में, और शाम को एक 7 बजे से लाइट शो भी होता है तो वो भी काफ़ी अमेजिंग रहता है। अभी हमारे 370 किलोमीटर्स बचे हैं, चलते हैं आगे। और आप देख सकते हैं ये पूरा बाइकर गैंग जा रहा है एक। चिकबल्लापुर इज 6, अनंतपुर इज 155 एंड हैदराबाद इज 513। हैदराबाद तो बहुत आगे हो जाएगा। हाँ, अनंतपुर हम जाएंगे। अनंतपुर फेमस है अपनी किया फैक्ट्री के लिए, सो वो हमारे रास्ते में आएगा। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा रूट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। सो हम जा रहे हैं बेंगलोर से नल्ला मल्ला जंगल। नल्ला मल्ला अगर आप जंगलों के शौकीन हैं या कैंपिंग के शौकीन हैं तो नल्ला मल्ला इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो ये हमने पहली फर्स्ट टाइम देखा था जब हम श्रीशैलम गए थे। श्रीशैलम जाते हुए रास्ते में ये पड़ता है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं बेंगलोर से। तो बेंगलोर से नल्ला मल्ला जाने के लिए मोटे मोटे दो रास्ते हैं। वन इज NH44 जो आपको NH44 से लेके जाएगा, और वन इज फ्रॉम कादिरी एंड एक क्या नाम था उसका, बेसिकली दैट्स ए डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। सो NH44 से हम थोड़ा फैमिलियर हैं, इस पर हम काफ़ी घूमे हैं NH44 पे। तो हम जा इससे रहे हैं NH44 से और आएंगे दूसरे वाले हाईवे से, क्योंकि दोनों में सेम टाइम दिखा रहा है बट 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो रास्ता तो वो भी अच्छा होगा, है ना। अब NH44 पे जो हमारे रास्ते में जो हमारे मोटे मोटे जो मेन शहर आएंगे वो है एक तो चिकबल्लापुरा जिससे हम अभी जा रहे हैं, इसके बाद जो मेन शहर आएगा वो अनंतपुर होगा। अनंतपुर में किया की फैक्ट्री है और शायद वहीं पर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। सो अभी हम हैं चिकबल्लापुरा में, और चिकबल्लापुरा में जैसे आपको पता ही होगा दो चीज़ें बहुत फेमस हैं यहाँ पर, एक तो नंदी हिल और एक आदियोगी। सो नंदी हिल वाला जो कट है, नंदी हिल जाने वाला, वो हम क्रॉस कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में आदियोगी भी आएगा। अभी दैट मीन्स हम NH44 पे जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नल्ला मल्ला जंगल, ठीक। नल्ला मल्ला इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था जब हम श्रीशैलम जा रहे थे। हम मार्च और आई गेस अप्रैल में हम श्रीशैलम गए हैं, मार्च में। तो तब हमने देखा था, उस समय तो सब कुछ ड्राई पड़ा था बिकॉज मानसून नहीं आया था तब तक, बट वो बहुत बड़ा था। अब हमने काफ़ी टाइगर रिजर्व कवर भी किए हैं साउथ में, जैसे बंदीपुर है और नागरहोले है, काबिनी डिफरेंट थिंग, बट हाँ और भी दो तीन हैं जो केरला और तमिलनाडु साइड पड़ते हैं जो हमने कवर किए हैं। नल्ला मल्ला हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जो NH44 के थ्रू आपको लेके जाता है, ठीक। बेंगलोर से नल्ला मल्ला जाने के मोटे मोटे दो रास्ते हैं, एक जो NH44 से जाएगा और एक जो कादिरी की साइड से जाएगा। अब कादिरी वाला जो रास्ता था वो बिल्कुल हमारे लिए अननोन था, तो हम उससे जा नहीं रहे हैं, उससे हम आएंगे, रिटर्न हमारा उसी से होगा। सो अब NH44 से भी क्या है कि आप दो तरीके से नल्ला मल्ला जंगल पहुंच सकते हैं। वन, जो आप बेंगलोर से अगर चलेंगे तो चिकबल्लापुर आपके रास्ते में आएगा, देन अनंतपुर आएगा
मेन शहर जहाँ पे किया फैक्ट्री हमें पड़ेगी रास्ते में, और उसके बाद गुटी आता है एक जो छोटा सा शहर है एक, और गुटी के बाद आप राइट टर्न ले लेंगे जंगल के लिए, तो वो आपको अंदर से नल्ला मल्ला जंगल लेके जाएगा। अगर आपको यहाँ से भी नहीं जाना तो आप गुटी भी आगे क्रॉस कर जाइए, फिर आगे जाके धोने आता है, आपको धोने से एक कट मिलेगा जो आपको नल्ला मल्ला जंगल लेके जाएगा। अब नल्ला मल्ला में भी क्या है कि दो कैंप हैं, वन इज पचेरला एंड वन इज बैरूटी समथिंग, तो एक इस साइड है एक थोड़ा उस साइड है, तो ऐसे है। हमारा नज़दीक जो था वो पचेरला था, तो हम पचेरला जा रहे हैं। देखते हैं, NH-44 के थ्रू जा रहे हैं, दूसरे वाले हाईवे से हम आएंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का है और टाइमिंग सेम है। सो 40 किलोमीटर में अगर टाइमिंग सेम है तो दैट मीन्स वो वाला हाईवे भी इतना ख़राब नहीं होना चाहिए देन, क्योंकि वो हाईवे भी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर था और 7 आवर्स वो दिखा रहा था, तो वो भी हाईवे अच्छा होगा। सो अभी इस वाले से चलते हैं, अभी थोड़ी देर में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पे अनंतपुर आएगा, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे एंड चाय के लिए, चाय भी पीना ठीक है। आप सामने देखिए, सामने पूरी वो नंदी हिल वाली रेंज चल रही है हमारी, एकदम बढ़िया वाले नज़ारे सामने से। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ अद्भुत और सुंदर दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। अब ये NH-44 है, ये सीधा ही अगर हम चले जाएंगे तो ये हमें कश्मीर से जोड़ता है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो अभी फिलहाल तो हम धोने तक और ऊटी तक जाएंगे और वहाँ से कट ले लेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी एक और टोल प्लाजा आ रहा है, क्या नाम लिखा हुआ है, बागेपल्ली टोल प्लाजा। तो अभी हम कर्नाटक में ही हैं, ये कर्नाटक का ही टोल है अभी तो, और देखते हैं कितने रुपीस का टोल है। 115 तो 115 रुपए का टोल है यहाँ पर, इसको क्रॉस करके चलते हैं आगे। सो अभी अनंतपुर दिखा रहा है 84 किलोमीटर और किया फैक्ट्री है 30 किलोमीटर अराउंड। सो कर्नूल है 228, तो हमें कर्नूल तक तो नहीं जाना है, हम कर्नूल से पहले ही राइट में टर्न हो जाएंगे, हमें एक्चुअली गुटी के बाद टर्न होना है। तो अभी अनंतपुर तक चलते हैं, अनंतपुर में ब्रेकफास्ट करेंगे फिर 84 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस हमारा बचा है 270 किलोमीटर नाउ, जिसके लिए दिखा रहा है 4.5 आवर्स 4 घंटे और 33 मिनट्स। सो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा किया फैक्ट्री का एरिया चल रहा है, ये किया फैक्ट्री है, अनंतपुर में काफी फेमस है ये पूरा। आगे तक कितना कितना किलोमीटर में होगा ये, एटलीस्ट 2 या 3 किलोमीटर में तो है। ये सिर्फ किया फैक्ट्री नहीं है, ये उसके सप्लायर्स की भी फैक्ट्री है यहाँ पर। किया का एक सबसे, किया और हुंडई का एक सबसे बड़ा सप्लायर है मोबिस, मोबिस की भी फैक्ट्री है यहाँ पर। सो यहीं से सारे पार्ट्स और सारी गाड़ियाँ किया की यहीं से सब डिलीवर होती है। और ये आ गया है एक और टोल प्लाजा, इसका नाम है क्या है, मरुरु, ओके मरुरु टोल प्लाजा। वर्किंग है या नहीं है, वर्किंग है, हाँ ठीक है। तो अभी हमारे बचे हैं 200 किलोमीटर और टाइम ये दिखा रहा है 3.5 घंटे। चलिए अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, पहले ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, देन विल स्टार्ट अगेन। सो फ्रेंड्स, ये जो विंडमिल आप सामने देख रहे हैं, अगर आपने हमारी श्रीसेलम वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा एग्जैक्टली इसी जगह पर हमने आपको ये शॉट दिखाया था। और ये जो जितने भी आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये सब बिल्कुल ब्राउन था, ब्राउन से मेरा मतलब है कि बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था यहाँ पर।
और अभी देखिए 3 महीने 4 महीने बाद ही कितना पूरा ग्रीनरी हो गया है यहाँ पर मानसून के बाद। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है निकलने में बाहर, बिकॉज श्रीसैलम के रास्ते में जितना भी जंगल पड़ा था वो भी सब सूखा पड़ा था, बट आज उम्मीद है कि सब कुछ ग्रीन मिलने वाला है। तो अभी हम अनंतपुर में हैं और यहाँ से धोने हैं 76 कर्नूल 115 और हैदराबाद छुप गया, आदिलाबाद शायद 85, नहीं 85 नहीं 305 समथिंग कुछ था। तो हमें धोने तक जाना है, धोने से फिर हमें राइट लेना है, हम धोने तक जाएंगे और डिस्टेंस अभी हमारा बचा है 170 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 3 घंटा और हमारे पहुंचने का टाइम है 12:35। ठीक है, सही टाइम पे पहुंच जाएंगे, हमारा चेक इन टाइम भी 12:30 है, शायद मिस भी नहीं कुछ होगा हमारा। चलिए चलते हैं आगे और जब टर्न लेंगे तब आपसे दोबारा जुड़ते हैं। धोन इज 23, कर्नूल इज 73, हैदराबाद 283, आदिलाबाद 573, सबके पीछे 3 था। तो यहाँ से अब हम NH44 छोड़ रहे हैं, अब यहाँ से हमारा गंतव्य बचा है 104 किलोमीटर, यानी कि 104 किलोमीटर, और समय दिखा रहा है 2 घंटे, और ये रेलवे फाटक है, शायद रेलवे फाटक बंद पड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर में आगे चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो रास्ता है वो 90 किलोमीटर्स का और बचा है, लगभग 1.5 घंटा अभी रास्ता बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ पूरी हरियाली दिखाई दे रही है, बारिश भी हो रही है, काफ़ी देर से लगभग 2 घंटे से ही ऐसे ही धीरे धीरे बारिश हो रही है, बादल भी ऊपर दिख रहे होंगे आई थिंक वीडियो में। तो ये रास्ता है, देखते हैं अब पशेरला पहुँचने के बाद हमारा वहाँ पे कैसा हमको वेदर वगैरह मिलता है। बाकी फिलहाल अभी के लिए तो रास्ता काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बट अब ये सिंगल लाइन हो गई है हाईवे छोड़ने के बाद से, तो इसीलिए वो 90 किलोमीटर्स का 1.5 घंटा भी दिखा रहा है, अदरवाइज और कम टाइम लग सकता था। तो ये हम NH40 पे चढ़ गए हैं अब, और यहाँ से नल्ला मल्ला यहाँ से 75 किलोमीटर है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना है अभी यू टर्न लेके। तो अब आगे से हम 2500 मीटर्स के आगे यू टर्न लेंगे एक, वहाँ से फिर 75 किलोमीटर है हमारा कैंप। तो अभी हम हैं NH40 पे और बहुत ही बम्पी हाईवे है। NH44 के बाद लगभग 40 किलोमीटर हम आए, एक सिंगल रोड था, वो स्टेट हाईवे था, उसके बाद हम इस हाईवे पे आए हैं NH40 पे, जो हमें अगले 40 किलोमीटर तक चलना है। इस पे बहुत बम्पी हाईवे है बट नज़ारे बहुत खूबसूरत है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारी तरफ, देखकर यकीन नहीं होता कि आंध्र प्रदेश ऐसा भी हो सकता है। मैंने महाराष्ट्र के बारे में ऐसा सुना था कि मानसून में महाराष्ट्र बहुत सुंदर हो जाता है, पूरा ग्रीन हो जाता है, बट आंध्रा भी सेम है।
वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अभी टोटल और हमें 66 किलोमीटर जाना है, तो अभी हम NH40 को छोड़कर, ये भी एक हाईवे है NH544D, इस पे आए हैं जो सीधा हमें पचरेला कैंप तक लेकर जाएगा। अभी समय हुआ है 12:12 PM और डिस्टेंस हमारा बचा है अभी 24 किलोमीटर का, और जाने में समय लगेगा हाफ एन आवर 30 मिनट। तो एग्जैक्ट 12:30 बजे का हमारा दिखा रहा है वो पहुंचने का, 12:30 बजे ही हमारा चेक इन टाइम भी है, तो हम अपने डॉट चेक इन टाइम पे ही पहुंचेंगे, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है मतलब। चलिए फिर चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे जाके मिलते हैं फिर इसके बाद। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड पे एकदम जंगल दिखाई दे रहा है, और कुछ ज़्यादा ही घना दिख रहा है इस बार जंगल। देखिए और जो हमारा जंगल कैंप है वो बस 2 किलोमीटर का रास्ता और बचा है, और ये यहाँ पर आ गया है एक चेक पोस्ट, पछेड़ला चेक पोस्ट। अभी देखते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 50 रुपीज़ का एक टिकट भी लेना है। अच्छा ऐसा है क्या, हमारा कैंप में स्टे बुक है तो हमारा टिकट नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके सामने लिखा है वैसे 4-wheeler 50 रुपीज़, चलो देखते हैं। कैंप स्टे ओके। सो हमारे यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगा है, क्योंकि हमने बस बता दिया कि हमारा जंगल कैंप का स्टे है तो उन्होंने जाने दिया, तो कोई टिकट नहीं लगा यहाँ पर हमारा। टिकट्स उनके लिए है जो इसको क्रॉस कर रहे हैं, टिकट उनके लिए है जो इनको, जो इसको जंगल को क्रॉस करेंगे। हम जंगल में ही स्टे करेंगे, क्योंकि टिकट पे लिखा होता है आपको इस टाइम आपकी एंट्री है और इतने टाइम में आपको एग्जिट करना है, लेकिन हमारा स्टे है तो हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे इसको, हम कल एग्जिट करेंगे। ये आ गया हमारा जंगल कैंप, तो यहाँ से एंट्री है नल्ला मल्लाई जंगल कैंप। सामने है ये रिसेप्शन, पहले यहीं पे लगा देते हैं चेक इन, देख लेते हैं पहले। पार्किंग भैया इसपे, हाँ पार्किंग है। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस कंप्लीट रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू नल्ला मल्ला पछेड़ला जंगल कैंप। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, इसमें आपको पूरी रोड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। पछेड़ला जंगल कैंप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको देने वाले हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा इसी का पार्ट 2, तो प्लीज उस ब्लॉग को भी जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।